जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हल्दी भारतीय किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में से एक है। ऐसे बहुत कम भोजन है जो इसके बिना बनते हैं। भोजन के स्वाद को बढ़ाने, उसे सुगंध और रंगत देने के लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दी को प्राचीन एवं पवित्र मसालों में भी शुमार किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, हल्दी की छोटी सी गांठ में बहुत सारे गुण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों के रंग और स्वाद का एक राज हल्दी ही है। लेकिन आजकल बाजार में उपलब्ध हल्दी में कई तरह की मिलावट होती है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। हल्दी के गुणों को बरकरार और आपकी सेहत का खास ध्यान रखते हुए आईएमसी आपके लिए लेकर आई है शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर श्री हल्दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आईएमसी की श्री हल्दी में ऐसी क्या खास बात है जो ये सबसे अलग है। तो चलिए आपको बताते हैं, आईएमसी की श्री हल्दी में तीन तरह की हल्दी, अमा हल्दी, दारू हल्दी और वन हल्दी के साथ साथ काली मिर्च, केसर और दालचीनी भी शामिल है। आईएमसी की श्री हल्दी का इस्तेमाल आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध है। आईएमसी की श्री हल्दी में शामिल केसर एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें शामिल दालचीनी में उच्च मात्रा में औषधीय और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इन सभी गुणों के होने का सबसे बड़ा कारण है इसमें मौजूद कर्क्यूमिन नाम का तत्व। ये याददाश्त बढ़ाने और तनाव को कम करने में मददगार है। कर्क्यूमिन पर की गई क्लिनिकल स्टडी में ये पाया गया है कि कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स को जब केसर के साथ मिलाया जाता है तो कर्क्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी 2000 गुना बढ़ जाती है। हल्दी में लगभग 2% कर्क्यूमिन पाया जाता है। इसके सेवन से खून साफ होता है और ये शरीर में मौजूद विषैले तत्व को बाहर निकालता है। ये सर्दी, जुखाम और कफ की समस्या में अत्यंत लाभकारी है। श्री हल्दी हृदय संबंधी बीमारियों जैसे कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक आदि के खतरे को कम करने में सहायक है। हल्दी हमारे चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ त्वचा संबंधी रोगों एवं झुर्रियों को रोकने में भी लाभकारी है। आईएमसी की श्री हल्दी को महिलाएं मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में राहत पाने के लिए भी सेवन कर सकती है। आप आईएमसी की श्री हल्दी की 1-2 बूंदों का सेवन सुबह शाम 1 कप पानी या दूध के साथ कर सकते हैं या फिर इसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श भी ले सकते हैं।